हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और उसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम से रिलेटेड जो लेटेस्ट और गुड न्यूज़ आ रहा है उसके बारे में भी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के संपर्क में। तो आप सभी को पता ही है कि हर एक एज ग्रुप में सीनियर से लेकर अंडर 17, अंडर 16, अंडर 15 से लेकर हम सैफ के चैंपियन हैं, लेकिन उसमें हमें कोई कंपटीशन नहीं मिलता है। तो AIFF, आप सभी को पता ही है कि विजन 2047 को लेकर चल रही है, और एक इसका स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो चुका है जो कि खबर मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो काफा के साथ AIFF ने MOU साइन कर लिया है, और इससे ये होगा कि मेंस एंड वुमेंस दोनों ही के यूथ टीम्स काफा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और आप सभी को पता ही है कि काफा में उज्बेकिस्तान, ईरान जैसी टीम पार्टिसिपेट करती है, जो कि अच्छा कंपटीशन होता है इस लीग में। लेकिन दोस्तों, सैफ में कोई कंपटीशन होता नहीं है, तो एक शानदार डिसीजन AIFF की तरफ से। और इसके अलावा भी खबर यह आ रहा है कि कोच डेवलपमेंट और रेफरिंग के ऊपर भी काम किया जाएगा इस MOU के थ्रू, जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म खबर नहीं आ पाया है कि सीनियर टीम और मेंस एंड वुमेंस के दोनों ही के सीनियर टीम काफा में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं, लेकिन ये खबर पक्का है कि यूथ टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं मेंस एंड वुमेंस दोनों ही के काफा में, जो कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन है AIFF की तरफ से। और दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़े और बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो जमशेदपुर एफसी के खिलाफ अटैकिंग थर्ड में पुअर परफॉर्मेंस चल रहा था। आप सभी को पता है कि नेस्टर अल्बियाक ना होने के कारण कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस रही थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और मैं आप सभी को बता दिया था पहले ही कि नेस्टर को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तबीयत ख़राब है, जिसके कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके अलावा भी कोई खबर था नहीं कि नेस्टर अल्बियाक आने वाले ओडिशा एफसी के खिलाफ जो मैच होने वाला है, इंपॉर्टेंट मैच, उसमें खेलेंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, खबर पक्का आ चुका है कि नेस्टर अल्बियाक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, और वो बिल्कुल आने वाले नेक्स्ट मैच में पार्टिसिपेट करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।